गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का करेस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर चैप्टर नंबर 8 लेटर्स के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज हम लेटर देखने वाले हैं, सेकेंड लेटर जो हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करते समय डिपॉजिटर को सेंड करते हैं। और डिपॉजिटर आपको पता है एग्जैक्टली कौन होते हैं, जिनसे हम शॉर्ट टर्म फंडिंग ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं। 36 मंथ तक मैक्सिमम हम लिया जा सकता है, 6 मंथ मिनिमम और मैक्सिमम 36 मंथ। अब उनसे आपने लोन तो ले लिया, लेकिन जब आप उनको ब्याज देते हो, इंटरेस्ट पे करते हो इसका मतलब, तो उस समय ये लेटर लिखा जाता है। मतलब कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा ले रही है, तो बदले में उनको इंटरेस्ट देना होगा, और इसी समय पे कंपनी ये लेटर लिखती है। और इसमें लेटर का नाम क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपका वही होगा, कंपनी का नाम और एड्रेस, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर एंड ऑल। और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, डिपॉजिटर जिसको हम लोग कहा जा रहा है। तो यहाँ पे लता दीक्षित करके डिपॉजिटर है जिसको कंपनी ये लेटर लिख रही है। फिर सब्जेक्ट वहाँ पे दिया है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कि कंपनी वहाँ पे पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का फिक्स डिपॉजिट का, उससे रिलेटेड। और फिर लिखा है आगे, डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इंटरेस्ट 10% ऑन योर फिक्स डिपॉजिट अप्रूव बाय द बोर्ड। सेक्रेटरी लेटर लिखते हैं, तो सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं वहाँ पे लता मैडम को, मतलब जो डिपॉजिटर है उनको, कि भाई हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम आपको 10% ब्याज दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में। भाई जो लता ने पैसे डिपॉजिट किए होंगे कंपनी में, उसके ऊपर कंपनी 10% ब्याज देने वाली, ये इन्फॉर्म इस लेटर के थ्रू उसको लता को किया जा रहा है। एंड वी आर एनक्लोजिंग हियर इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट देखो फिर से आ गया, डिविडेंड वारंट हमने एक पढ़ा था। इंटरेस्ट वारंट किसको कहते हैं, जो एक चेक जैसा होता है, चेक होता है इसका मतलब, जिसके थ्रू कंपनी उनको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो लता को क्या करना होगा वहाँ पे, लता को वो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वारंट जाकर बैंक पे डिपॉजिट करना होगा, उसका इंटरेस्ट का पैसा उसको आसानी से मिल जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम इंटरेस्ट वारंट आपको इसके इस लेटर के साथ में एनक्लोज करके भेज रहे हैं, और उसमें डेट भी मेंशन कर दिया, कौन से बैंक का है वो भी मेंशन कर दिया उन्होंने, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, और कितना अमाउंट है 2,500 रुपीज़। योर कंपनी हैज़ कम्प्लाई विथ ऑल प्रोविजन्स, मतलब कंपनी ने सारा कानूनी पालन किया है ब्याज देते समय, तो उसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और कितना ब्याज मिल रहा है, कितने अमाउंट पे मिल रहा है, उसकी पूरी डिटेल बॉक्स में आपको दी हुई है, जो बॉक्स आपको दिख रहा है। अच्छा, पेज नंबर 119 पे हम लोग हैं, हाँ, तो पेज नंबर 119 पे आप देखोगे तो उसमें बॉक्स में डिटेल दिया है इंटरेस्ट वारंट नंबर, मतलब चेक पे जो नंबर लिखा होगा वो नंबर वहाँ पे शो होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, कि भाई उसने जो पैसा डिपॉजिट किया होगा तो उस समय कंपनी ने उसको रिसिप्ट दिया होगा, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर रेफरेंस के रूप में दे दिया होगा। अमाउंट कितना है 25,000, रिसिप्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी उसका कहीं दूसरा रेफरेंस आया तो सेम होना चाहिए। जैसे लेटर लिख रहे थे हम तो उसमें इंटरेस्ट वारंट नंबर ऊपर में लिखा है, वहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 10% इंटरेस्ट हमने ऊपर मेंशन किया था, तो बॉक्स में भी आपको 10% लिखना पड़ेगा। तो 25,000 डिपॉजिट किया था लता ने, 25,000 पे 10% कितना होता है 2,500 रुपये, तो कंपनी उसको 2,500 रुपये दे रही है। बाद में TDS कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं, टैक्स कुछ भी नहीं डिडक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट जो है वो सेम दिख रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं कटा है, ठीक है। और इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद, कंपनी कह रही भाई इसके साथ हम लेटर के साथ में इंटरेस्ट वारंट अटैच करके आपको भेज रहे हैं। और अब लता को क्या करना है, वो इंटरेस्ट वारंट बैंक में जमा कर कर उसको एनकैश कराना है अपने अकाउंट में, बस इतना है। मतलब लेटर का मोटिव क्लियर है कि कंपनी ब्याज देते समय लेटर लिख रही है, और कंपनी के सेक्रेटरी इस लेटर को लिखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। तो ये सब था पूरा मोटिव, और ये लेटर भेजकर कंपनी इंटरेस्ट सेंड कर रही है किसको, डिपॉजिटर को। ये ओवरऑल मोटिव था, आसान लेटर है, बड़े आसानी से आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और फटाफट लिखना भी है। प्रैक्टिस करो फॉर्मेट का, प्रैक्टिस करो इंटरनल मटेरियल लिखने का, प्रैक्टिस करो वो बॉक्स का कि कैसे बनाना है आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको सब कुछ लिखना है, आउटलाइन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आउटलाइन आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और एनक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट लिखना ना भूल जाएं, नहीं तो मार्क्स उसमें भी आपके कम हो सकते हैं। तो ये था आपका लेटर सेकंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिपॉजिटर को कंपनी भेजती है इंटरेस्ट पे करते समय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेटर
जो हम लोग डिपॉजिटर का ही ऑफ कोर्स है अभी तो फिलहाल, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक कंटिन्यू आपको इसी के लेटर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक किए बिना नहीं जाना है भाई, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।